गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास, हाउ आर यू? फाइन। तो अब बेटा हम करेंगे मैथ। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? 14 स्मिथ। जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक और मैथ बुक ओपन करें ताकि हम इसकी एक्सरसाइज 14.1 कर सकें। जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक खोलें। फर्स्ट सम करें हम। गुड। सभी सम करें। फर्स्ट सम एक्सरसाइज 14.1 सभी करें। बुक निकालें और इसकी स्टेटमेंट पढ़ें। क्या है फर्स्ट सम? कॉपी द फिगर विथ पंच होल एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ स्मिथ ट्री फॉर द फॉलोइंग। हमने इसकी स्मिथ ट्री बनाई, ठीक है? तो हमने इसकी स्मिथ ट्री लाइन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? हमने ये देखो, अगर आप अपने पास पेज की हो तो उसको स्मिथ ट्री कैसे करके होल्ड करें तो सेम, ठीक है? तो अब मैं आपको बुक पे बना के दिखा रही हूँ। स्टेटमेंट एक बार दोबारा पढ़ लें। कॉपी द फिगर विथ पंच होल, होल करना है उसके ऊपर, एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसकी सिमेट्री फाइंड आउट करना है। फर्स्ट सम, फर्स्ट पार्ट, सब अपने बुक पे बना लें। सी पार्ट, सब अपनी अपनी नोटबुक पे बनाते जाए। डी पार्ट, जी पार्ट, सब अपने वही अपनी नोटबुक पे बनाते जाएं। तो आपको बहुत सारे इसके पार्ट हैं। H, I, G, सभी अपनी अपनी नोटबुक पे कह लीजिए। ड्रॉ करें जल्दी से। सभी अपने अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करें।
सभी करें। अभी अपने अपनी नोटबुक में करें, जल्दी से बनाएंगे सभी सही ढंग से, क्योंकि हम इनको सिमेट्री करेंगे। ठीक है, जल्दी से अपने अपनी नोटबुक पे करें। लाइन की स्मिथ ने थर्ड, तो अगर इसको इस टाइप करोगे तो ये पॉइंट इधर है। ठीक है, इसका भी ये पॉइंट साथ साथ अपने नोटबुक पे भी करते जाएं। नेक्स्ट आप उनकी नोटबुक पे अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसको अगर फॉलो करोगे ये पॉइंट इसके ऊपर आएगा, ये पॉइंट इसके ऊपर, एक दूसरे से हट के नहीं आएगा ये वाले, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट सही भी कर सकते हो। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। साथ साथ अपने नोटबुक पे भी बनाते जाए। इसके ये दो ही पॉइंट है, इसको देखो इसी के पॉइंट। वही पॉइंट जैसे हमने इनको स्मृति लाइन में करना है। ये पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट सभी करो, सभी बार ई बी सी डी ई एफ जी एच आई जी के सब अपनी अपनी नोटबुक पे करी जल्दी से, क्योंकि इसको जैसे हमने स्मृति कैसे किया, अगर आप पेज को भी फोल्ड करके कर सकते हैं। ठीक है, करें
गुड, सभी खड़ी मिलके खेली तुमने, साथ साथ स्टेटमेंट भी पढ़ी और सम को भी कंप्लीट करी। कर लिए सबने बेटा, सबने बना लिए, अब करो। हम सिमेट्री लाइन ड्रॉ, सेकंड सन सभी अपने प्रिपेयरिंग के स्टेटमेंट क्या है सेकंड सन की। Second son, given the lines of symmetry find other holes। अब आपको symmetry, पहले हमने symmetry बनाई थी, अब हमारे पास symmetry line है। हमने कहा कि उनका hole कहाँ पे, ठीक है। Second son, सिमेट्री लाइन हमारे पास है, सिक के होल कहाँ पे इसका करेंगे। सी पार्ट ये आपको वाई पार के सेकंड सम के, आप अपनी अपनी नोटबुक पे पहले इनको करें जल्दी से। सिमेट्री बनाएंगे ये, सभी करें। सभी गए अपने अपने नोटबुक पे। अब हम लिखे सिमेट्री बनाने, साथ साथ कहाँ पे इनकी आएंगी उन पॉइंट हमें शो करना है। देखो अगर हम एक पीएस लिखते हैं स्केयर में, अगर यहाँ पर उसका होल है तो उसको हम ये पीएस ऐसे फोल्ड कर देते हैं तो उसका स्केयर। आप अपनी नोटबुक पर भी इसको बना सकते, ये रेक्टेंगल शेप में, इस शेप में इसको करेंगे तो ये वाला कॉर्नर हमारा सीखेंगे, ठीक है। पेज लेके इसको फोल्ड कर, ये पॉइंट इसी के ऊपर बिल्कुल आना चाहिए। नेक्स्ट ये वाला इस फोल्ड, लाइन के पास
क्योंकि यहाँ करोगे तो ये पॉइंट इसके, ये पॉइंट इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ठीक है। जल्दी से करें, ये अपने मी नोटबुक पे करें। जी क्लियर है सबने? गुड, सभी करें मिलके सही ढंग से लाइन से लगाएंगे ताकि उसकी सिमेट्री सेम आए। करें चलिए बेटे सबने, हम साथ साथ मिलकर इनको ड्रॉ करके अपने फेस के ऊपर भी आप इनको ड्रॉ करके कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़े सभी, थर्ड सम। Number lines given as a dotted line complete each figure performing reflection in the dotted। तो आपको ये देखो आपके पास आज एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द फिगर यू कंप्लीट, ये देखो थर्ड सन ये वाले आपके कंप्लीट करें, ठीक है। कंप्लीट के पहले आपको अपने अपनी नोटबुक से बनाए से
F. अपने अपने नोटबुक पे बनाते जाएं। सभी बनाएं अपने अपने नोटबुक के ऊपर। सभी फिगर बनाए ए बी सी डी एफ तक। सभी बनाए मिलके करें अपनी नोटबुक पे। इनको आपस में देखो ये दो टीमें हैं, इनको आपस में हम मिलाएंगे। ठीक है, दो टीमें ये क्या बन गया? स्फीयर, ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल के बाद ये क्या बन गया? रोम्बस। ठीक है, ये आपके सभी सर्कल। ठीक है, मैंने इनको पेंटागन ऑक्टागन आठ साइड एट साइड ठीक है, फाइव साइड पेंटागन एट साइड ऑक्टागन। ठीक है, इनके हमने नाम भी लिख दिए। स्क्वायर, ट्रायंगल, रोम्बस, फोर साइड्स इक्वल, सर्कल, पेंटागन, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, जबकि ए साइड इक्वल तो ऑक्टागन। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के थर्ड्स। हमने 14.1 के किए, जल्दी से अपनी नोटबुक पे करें। सभी करें मिलके। ओके मैडम, ये थे हमारे सब जो आपने अपनी अपनी नोटबुक पे कर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सम हमने सिमेट्री लाइन बनानी और उनसे क्या क्या फार्मूले में हमारे में क्या क्या बनते। ठीक है बेटा, ध्यान से सभी ने उनको कंप्लीट कर अपनी अपनी नोटबुक पे। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।